जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राने गुरु जी, शुक्राने बेअंत शुक्राने के आज मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। आज मैं सत्संग एक्चुअली आई एम नॉट वेरी प्रिपेयर्ड, बहुत अचानक ये मौका मिला है और बहुत अचानक ही शेयर करने के लिए जो गुरु जी बुलवाए, मालिक आपके ही शुक्राने। गुरु जी बहुत ब्लेस किया है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि जब से जुड़े हैं सिर्फ शुक्रानों के अलावा ऐसा लगता है कभी भी पूरे नहीं कर सकते, कितने भी शुक्राने करें पूरे नहीं कर सकते। मैं जब जुड़ी थी तो कोई खास किसी मकसद किसी उसके साथ नहीं जुड़ी थी, ऐसे ही सिर्फ मुझे गाइड किया था मेरी दीदी ने कि अगर इधर जाओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो बहुत शांति है, बहुत अच्छा है और बहुत साफ सुथरा होता है, बस ऐसे। अब तुम घूमते रहते हो तो चलो यहाँ भी चले जाओ, बस ऐसे ही घूमने गए थे, मतलब घूमने के पर्पस से हम तो सिर्फ लॉन्ग ड्राइव करके ही पहुंच गए थे। और जब पहुंचे तो जब गुरु जी ने जब दर्शन किए तो इतना, तब रश भी नहीं होता था, 2013 की बात है, तब जुड़े हम तो तब इतना रश भी नहीं था, बहुत खाली था उस समय कंपेरेटिवली आज के मुकाबले, तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो उसी टाइम, बहुत जुड़ाव अच्छा लगा। मगर फिर भी ऐसा कोई बहुत ऐसा कनेक्शन, यहाँ अच्छा लगा मगर ऐसा कोई स्पिरिचुअली इतनी ज्यादा मतलब वो नहीं लगा कि मेरा मान जाऊं मैं कि गुरु जी भगवान है, उस टाइम ऐसा नहीं माना मैंने। मगर धीरे धीरे वहां जाने लगी और शायद गुरु जी को पता था कि मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और शायद इसीलिए मेरा बुलावा था। कुछ महीने बाद मेरा बेटा बीमार हुआ, बहुत बीमार हो, और कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था उसका, बहुत जगह से उसके सब टेस्ट सारे टेस्ट हो रहे थे मगर कोई भी डॉक्टर किसी पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच पा रहा था। और हमें खुद समझ नहीं आ रहा था। और तब एक बड़े प्राइवेट जो 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 बड़े बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं जो उनके HOD ने मतलब खुद ये रेफर किया कि इसके नहीं आप एम्स में दिखाओ, और फिर हम एम्स में दिखाने लगे और इस दौरान भी बहुत सत्संग हुए। और वहां पे जब उसका ट्रीटमेंट हुआ उसी की मेहर से बिल्कुल ठीक हो गया, और जो 10% है वो जो तो गुरु जी कहते हैं आप भोगोगे तभी आप मुझे याद करोगे तभी आपके कर्म कटेंगे, वो आपको ही काटने हैं, 90% गुरु जी ने कटवा दिया। और इस दौरान बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े इतने ही सत्संग हुए, उसको मैं एक आज शेयर करती हूँ। मेरे को एक जो डॉक्टर्स नहीं फाइनल कर पा रहे थे कि क्या इसका डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, तो लास्ट में एम्स में जो डॉक्टर थी उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि मैं फाइनल किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही तो मैं 3-4 अलग अलग प्रॉब्लम्स की उन्होंने मुझे नाम बताए, वो बहुत बड़ी तकलीफों के, और मैं उन सबकी दवाई एक साथ दूंगी, और ताकि कोई ऐसा ना हो कि मैं एक की दवाई दूं और दूसरा फ्लेयर अप हो जाए, तो इसलिए मैं सबकी दवाई एक साथ दूंगी। और मेरे को बड़ा डिलेमा सा था कि ये कैसे होगा, मतलब इतनी सबके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बहुत मन घबरा रहा था कि मैं उनके साथ कैसे करें कैसे इनको रोकूं, मगर मेरे पास दूसरा कोई जरिया नहीं था क्योंकि हम सारी जगह से हताश होकर यहाँ पहुंचे थे और बस गुरु जी को याद करती थी मैं। ऐसे में मुझे एक फोन आया, फोन पर उन्होंने कहा जय गुरु जी, एक फीमेल वॉइस थी, जय गुरु जी, मैंने कहा जय गुरु जी, और उन्होंने कहा कि जी मैं ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कौन से व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रही है, मुझे अभी 6 महीने हो गए थे, 6 महीने साल हो गया था मुझे जुड़े हुए तब तक। और मैंने कहा अच्छा, तो कहते आप ना बहुत अच्छे लिखते हो, उसमें बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं आपके, बहुत अच्छे पोस्ट डालते हो आप, तो इसलिए मैंने सोचा कॉल कर लूं। मैंने अपने अंदर मन में सोचा कि मैं तो इतने टाइम से सिवाय जय गुरु जी के कुछ लिख ही नहीं पा रही, मैं इतना ज्यादा अंदर से मतलब माइंडसेट में नहीं हूँ, बहुत टूटी हुई हूँ, तो मैं सिर्फ जय गुरु जी
बख्श दो गुरु जी, यही लिख रही थी, कुछ और नहीं लिखती थी। मगर फिर भी मैंने कहा अच्छा आंटी ठीक है। तो मुझसे बोलने लगे कि आप बहुत लो साउंड कर रहे हो, कि आप बहुत, क्या बात है, क्यों इतना लो साउंड कर रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक्चुअली, मैंने मना किया, नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे प्रेशराइज किया, आप बताओ ना क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो। तो मैं जो भरी पड़ी थी, जो इतने डॉक्टरों के पास जाके या सब कुछ, मतलब बहुत अंदर एक बहुत कुछ था, मैंने सब कुछ उनको बता दिया और मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे मैं प्रॉब्लम में हूँ और मुझे समझ नहीं पा रही, और डॉक्टर मेरा बेटा इतना बीमार है, मुझे समझ नहीं पा रही मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ऐसा डिलेमा है, अब डॉक्टर मुझे कहती है कि मैं 4-5 प्रॉब्लम्स का इलाज इकट्ठे करूंगी, सबकी दवाएं दूंगी, तो मैं बहुत ही कंफ्यूजन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि अच्छा, वो डॉक्टर ने ऐसा कहा है, तो आप ऐसा करिए, मैं आपको दूसरे डॉक्टर के पास भेजती हूँ, आप वहां जाओ और वहां से टेस्ट कर, वहां पे अपने सारे रिपोर्ट दिखाओ उनको, और वो जो उनके बहुत शार्प डायग्नोसिस है, बहुत सही बताते हैं वो, तो आप उनके पास जाओ। मैं नहीं जानती कि वो किन डॉक्टर की बात कर रही है, वो किस चीज का इलाज करते हैं, नथिंग डूइंग। मगर मैंने कहा कि कौन है जो इतने ही मुझसे, मतलब इतने अधिकार से उन्होंने कहा कि तुम वहां जाओ और वहां जाके चेस्ट टेस्ट करवाओ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने अपने मतलब मेरे के रिलेटिव उनको फोन किया कि आप इसके लिए जरा पता करिए और के ये डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले दीजिए। वही मेरे कर रहे थे, उनको मैं पूछती थी जो भी अपॉइंटमेंट लेना होता था। उन्होंने पता किया, उन्होंने कहा नहीं दीदी ये तो पॉसिबल नहीं है, इनकी तो अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद की मिल रही है। मैंने वापस उसी नंबर जो अननोन नंबर से फोन आया था उस पर कॉल करके उनको बताया कि नहीं वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो कह रहे हैं उनका 1 महीने का अपॉइंटमेंट मिलेगा, अभी नहीं मिल सकता। तो वो मेरे से कहते हैं अच्छा, उनका अपॉइंटमेंट मैं आपको दिलवाते हूँ। उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे बाद में फोन किया, उन्होंने कहा ठीक है कल आप ना सुबह 10 बजे वहां पहुंच जाना। तो मैंने कहा ये 10 बजे तो पॉसिबल नहीं है। नहीं उस वक्त तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बाद में 1 घंटे बाद मुझे याद आया कि 10 बजे तो पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर्स राउंड पे आते हैं तो हम कैसे जाएंगे, एम्स को छोड़कर हम किस तरह जाएंगे। पर हम वापस कॉल किया, नहीं आंटी 10 बजे तो पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर्स राउंड पे आते हैं, उस टाइम नहीं जा सकता, नहीं जा सकते दिखाने। अच्छा ठीक है, उन्होंने मुझे फिर 10 मिनट बाद फोन किया, ठीक है अब 12:30 पहुंच जाओ। 12:30 पहुंच जाए, मुझे टाइम दे दिया। और मैंने कहा ये कौन है, मेरे अंदर से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है, और प्लस मेरे जो रिलेटिव थे वो भी कह रहे थे आप इसका अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या है, क्यों रहे हो, ही इज नॉट ऑफ योर प्रॉब्लम, ये तो अलग ही किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, वो कौन है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि गुरु जी मेरे को गाइड कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे जो भी वो कह रहे हैं मुझे इनको करना है बस कॉल। तो उन्होंने मुझे कहा कि 12:30 आप आ जाना और सारी रिपोर्ट्स लेके। वो सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने में मेरे को इतना लेट हो गया कि, और सुबह ट्रैफिक हमें इतना मिला कि हम जितनी भी कोशिश कर सके मगर हम लेट हो गए थे निकलने में। तो रास्ते में ट्रैफिक, मेरे अंकल ने कहा कि आप उनको कॉल करके बोल दो कि हमें, हम 12:30 नहीं पहुंच पा रहे, हमें बहुत ट्रैफिक मिल रहा है। फिर उन्होंने वापस कॉल किया, मैंने कहा हम 12:30 नहीं पहुंच पा रहे तो हम लेट हो रहे हैं आंटी क्या करें। वो कह रही आप कोई बात नहीं आप पहुंचो, जितने बजे आप पहुंचोगे आपको वो डॉक्टर देखेंगे। तो मेरे को लगा ये है कौन। और फिर वो हम पहुंचे 2:45 डॉक्टर के पास 12:30 की जगह, और वो डॉक्टर ने हमें हाथों हाथ लिया और हाथों हाथ देखा। और उन्होंने एक बात मैं पूछनी भूल गई, सॉरी संजय जी, एक बात मैं भूल गई कि बीच में उन्होंने जब मैंने 12:30 का अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा तो साथ में मैंने एक और बात कही, मैंने कहा एक और प्रॉब्लम क्वेरी है मेरा कि अगर मेरे डॉक्टर, आप जो बता रहे हैं डॉक्टर, अगर उन्होंने कहा कि ये लाइन ऑफ एक्शन ठीक नहीं है या ये लाइन ऑफ मेडिकेशन जो भी है ये उनको नहीं सही लग रही, तो मैं इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को कैसे समझाऊंगी कि ये गलत है चेंज करें और उन दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन माने, जबकि मैं एडमिट तो इनके पास हूँ, मैं कैसे उनका ओपिनियन कहूंगी कि नहीं, आप कैसे उनको समझा पाऊंगी अपनी बात। और वो मुझे क्या कह रहे हैं, कह रही है अच्छा अगर उन्हें ही मानेगी वो डॉक्टर को मैं बात कर लूंगी। मैं अंदर सोचू हुई हूँ आप कौन, मतलब आपकी बात मान जाएगी, हाँ मेरी बात मान जाएगी, मेरी बात करवा देना मैं उन्हें बता दूंगी, मगर आप जाओ उनके पास। तो हम ऐसे 1:45 पहुंचे उनके पास, उन्होंने आते हमें सीधा हाथों हाथ लिया। उन डॉक्टर ने बहुत बड़े डॉक्टर थे, फीस भी बहुत थी, बहुत जो भी फीस थी उस कंपैरेटिव उस टाइम। तो उन्होंने हमें देखा अच्छे से पूरा एग्जामिन करने के बाद, उन्होंने कहा कि यू आर इन द बेस्ट हैंड्स और आप उनके साथ कंटिन्यू करो। और
ये बहुत अच्छा इलाज कर रही हैं आप, जो भी इलाज वो कर रही हैं, शी इज द बेस्ट डॉक्टर, यू गो विद हर डायग्नोसिस। और अगर वो कहती हैं कि 4 का लेना है तो लो, कोई बात नहीं, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग टू डू। तो वो डिलेमा से निकल गया, अब ये थोड़ा मन में आ गया कि गुरु जी का स्टैम्प लग गया है कि हाँ ठीक है, यहीं पे जो भी वो कर रही है ठीक है। एंड उसके बाद इलाज शुरू हुआ और वो पूरा इलाज 1 साल तक चला, और उसके बाद गुरु जी की कृपा से टोटली क्योर हो गया। और भी इसके रिगार्डिंग बहुत सत्संग है, फिर कभी गुरु जी हुक्म देंगे तो जरूर शेयर करूंगी। शुक्राने गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। कोई और करेंगे आप शेयर? जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी। आंटी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हमारे पास ना 4 मिनट बाकी है। मैं एक और शेयर करती हूँ, उसी टाइम की बात है। उस दौरान बहुत से ऐसे सत्संग हुए मेरे साथ, जैसे कि जब 1 साल तक इलाज चल रहा था तो तब डॉक्टर्स ने कहा था कि इम्यूनिटी इसकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और ऐसे में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, अगर इसके साथ बैठे बंदे को खांसी भी आएगी ना तो इसको निमोनिया हो जाएगा, इट इज टू दैट एक्सटेंट इसको सिवियर इम्यूनिटी जीरो हो जाएगी इसकी। मगर गुरु जी की ग्रेस इतनी रही, गुरु जी की इतनी कृपा रही कि उस 1 साल के दौरान एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में, हमेशा जहाँ हर तरह के मरीज आते हैं और रश भी इतना ज्यादा होता है, ओवर क्राउडेड होता है, बावजूद उसके हम वहां जाते रहे ट्रीटमेंट के लिए। हर महीने में एक बार हमें जाना पड़ता था, तो वो जाते रहे और गुरु जी कृपा से बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं आने पाई, जबकि उस टाइम में सार्स भी आ गया था बीच में, जो बहुत कम बहुत ज्यादा फैल गया था इंडिया में, दिल्ली में आसपास। तो बहुत डर लगता था कि गुरु जी क्या होएगा, मगर गुरु जी किस भरोसे ऐसे चल रहे थे कि सब निप गया। एक और मैं इसी से रिगार्डिंग एक और सत्संग इसी के दौरान कहूंगी कि वहां जहां पर वो डॉक्टर देखते थे, वहां पर किसी का फोन नहीं आता था, क्योंकि वहां जैमर्स लगे हुए थे और वहां पर जनरल मोबाइल्स किसी के ऑपरेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि सब उनके बहुत मशीनरी थी। वो डॉक्टर्स बोलते थे यहाँ बहुत मशीनरी है, बहुत सर्जरिकल ऊपर डिपार्टमेंट है तो बहुत मशीनरी है, इसके वजह से हमें जैमर्स लगाने पड़ते हैं वेव्स के लिए, तो कोई फोन या मोबाइल काम नहीं करता। मगर सडनली संगत जी, मतलब गुरु जी की लीला अपरंपार है, वहां पर मुझे एक फोन आया मोबाइल, और वो फोन आया एक बहुत पहले एक आंटी को मैंने मिली थी, 3-4-5 साल पहले उनको मिली थी, एक दिन के लिए एक ही बार मिली थी, और वो आंटी किसी के थ्रू में उनके पास पहुंची थी, और वो आंटी कोई उसमें एस्ट्रोलॉजी में और पामिस्ट्री में एमए कर रही थी। तो ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसे सबने ही कहा था मुझे, अरे हम सबने एज ए फ्रेंड्स या सिस्टर सबने पूछा, तो उन्होंने मुझे भी इंसिस्ट किया कि तुम भी पूछो, तो मेरे को समझ नहीं आया क्या पूछो, तो मैंने कहा चलो मैं भी पूछूंगी एक क्वेश्चन, मैं भी पूछूंगी, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एमए जो कर रही है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने उनसे सिर्फ अपने बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैंने सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा था कि बच्चे पढ़ाई कर लेंगे पूरी, कौन क्या करेगा, ऐसे ही बात इतनी बात। मगर उसको क्वेश्चन को पूछने के लिए उससे पहले उन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ पूछी बच्चों की, डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइम और डेट और टाइम बताओ, तो मैंने उनको बताया उसके लिए। अब उन्होंने मुझे बताया हाँ पढ़ाई पूरी होगी, और व्हाट्सएप, और उन्होंने मतलब मेरा बहुत विश्वास ही था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो तो सब फ्रेंड्स और सिस्टर्स के इंसिस्टेंस पे मैंने पूछ लिया था और उनको बता दिया था डेट। उसके बाद मेरा कोई उनसे कॉन्टेक्ट नहीं, 4-5 ईयर्स बीत चुके थे उस बात को, और उन्होंने मुझे सडनली उस दिन कॉल किया, अचानक उनका फोन मुझे आया, और मैंने पूछा ये कैसे, तो उन्होंने बोला कि मैं ना आपका फोन बड़ा ढूंढ डांट के मुझे मिला है कहीं से, क्योंकि मैं अपना लैपटॉप स्क्रॉल कर रही थी तो सडनली स्क्रॉल करते करते आपका सामने प्रोफाइल आया, जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई थी अपने बेटे की, और मुझे उससे उसमें मैंने देखा कि बच्चे पे बहुत कष्ट है, इस टाइम आप पे बहुत कष्ट है, और बहुत उसकी जान को भी बहुत खतरा है। तो मेरे को जो समझ में आया कि मैं आपका फोन, मैंने नंबर ढूंढवाया कहीं से भी, और मैं आपको कॉल कर रही हूँ कि प्लीज आप फौरन कुछ ना कुछ, उन्होंने मुझे 2-3 चीजें बताई, ये करो आप,